10 spirits and gold and Lord Bonner. Pick up your weapon and face it, ammo don't arm up, Shiana. More goody, my mana got you. It's a bullet game killer. The game killer, they were the songs in my reply. एंड में बोल देना टॉप का डिस्कॉर्ड में जितना मैं आ रहा हूँ लिंक के जिंदगी तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार भाई साहब आज का गेम प्ले देखते जाना बस स्किल्स इतने हैं कि कब टाइम कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा लेकिन उससे पहले हमारे चारों तरफ बंदे उतरे थे भाई चारों तरफ मतलब क्या ही बताऊं मतलब हम चारों के पास अपनी अपनी स्क्वाड्स थी तो यहाँ पर मैंने अपने एक टीममेट को बोला कि भाई इधर ही आ जा उधर जाएंगे तो मरेंगे क्योंकि इधर स्कूबी अकेला था तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाती लेकिन जब तक हम लोग पहुँचते काम लग चुका था अब यहाँ पर सिर्फ मेरे पास मिनी थी तो मेरे से जो हुआ वो मैंने करा कभी कभी एडीएस नहीं खुलता है यार जैसा यहाँ पर हुआ था लेकिन फिर भी मैंने आई थिंक दो किल निकाले इधर लेकिन उस चक्कर में स्कूबी ठुक गया फिलहाल जो भी हो हम तीन लोग बच रहे थे और यहाँ पर सामने की तरफ एक पूरी स्क्वाड थी जो मेरी स्क्वाड से लड़ रही थी तो मैं उनकी हेल्प करने गया और रास्ते में चलते चलते एक किरबिल जला ली अब यहाँ पर अपना एक टीममेट नॉक हुआ मेरे को पता ही नहीं था कि नॉक हुआ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता रहता यार ये कौन नॉक हो रहा है क्या हो रहा है मैं यहाँ लगा था कि हम चार बस पुश कर रहे हैं और सामने वालों को मार देंगे अब इस बंदे को मैंने नॉक करा इसको भी नॉक करा अब मेरे को एक बात पता थी कि जब मैं आ रहा था तो मैंने सामने की तरफ एक बंदे को देखा था तो अब मैं उसे मारने जा रहा था और मेरा टीममेट फिनिश हो गया फिलहाल यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको मारा तो मतलब हिसाब किताब इधर का खत्म हो गया था एक बंदा इनका पता नहीं कहाँ था मेरे को पता नहीं अब यहाँ पर मेरे को नहीं मालूम कि कौन नॉक था कौन प्रोन शायद दोनों ही नॉक थे जो भी हो मैंने दोनों को खत्म कर दिया उसके बाद हमको लग रहा था कि यहाँ बंदे नहीं है बट ऐसा नहीं था जैसे हम लोग पूछिंग की पीछे वाले साइड में यहाँ पर भाई बंदे ही थे एक बंदा मेरे को दिख गया था ऊपर जाके छुप रहा था तो मैं समझ गया इसके ऊपर पुश कैसे करना है अब यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया लेकिन अभी इसके टीममेट घुस गए भाई जरा देख रहे हो एक ऊपर से आया एक नीचे से ऊपर वाला ऊपर ही था तो इसने मेरे को पहले क्यों नहीं मारा या फिर ये कहीं और से आया पता नहीं भाई लेकिन जो भी हो लोग पता नहीं कहां से आ रहे हैं अब यहां पर मैंने उसको मार दिया और भाई साहब बंदे मर चुके थे लेकिन अब पोचिंग की बस देखते जाओ क्या ही बॉट्स की लाइन लगेगी और जब तक मैं बॉट्स को मार रहा हूं यार आज मैंने डिस्कॉर्ड पे एक टॉक शो करा था जहां मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो बस आपको मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उसमें टॉक शो मेरे को लोगों ने बोला कि आप सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलते तो यार असल में बात यह है कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को ऐसा कहना भी है मैंने कभी नहीं कहा तो मतलब कभी कभी कहा है लेकिन मेरी आदत नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की या लाइक करने के लिए बोलने के लिए इसलिए मैं भूल जाता हूँ लेकिन आज डिस्कॉर्ड की टॉक शो की वजह से मेरे को याद था तो मैं बोल दिया फिलहाल यहाँ पर देखो एक पूरी स्क्वाड अब भाई हमने जानबूझ के खुचड़ कर दी थी उनके वो चुपचाप जा रहे थे मैंने गाड़ी ठोकी उनके जाके फिलहाल उनका एक बंदा नॉक हो चुका था लेकिन अभी भी पूरी टीम बच रही थी जिसमें से मैंने दो को निकाल दिया उनका एक बंदा पीछे मेरे को मूव होता दिखाई दिया तो मैंने फायर करा और कोई मर गया यहाँ पर मैंने सोचा कि मैंने स्क्वाड क्लच कर दी बट मैंने देखा यहाँ तो मेरे 17 ही किल है इसका मतलब एक बंदा अभी भी बच रहा है तो यहाँ मैं पुश करने गया लेकिन उस चक्कर में मेरा टीममेट नॉक हो गया ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी क्योंकि उस टाइम मेरा ध्यान हमारे पीछे था नीचे जो कंपाउंड है वहां पर से भी फायर हुआ था तो बस मेरे को किल्स दिख रहे थे हर तरफ टीममेट नॉक हुआ है मेरे को पता ही नहीं है कहाँ ही खोए रखे हो गुरुजी
फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको मार के क्लच करा और टीममेट को भी बचा लिया यार। अब सब्सक्राइब कर ही दो, मतलब मैंने इतनी स्टोरी बताई तुमको, हैं सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर फायर हुआ था तो हमको लगा था बॉट है, लेकिन ऐसा था नहीं, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी तो हम समझ गए बंदे हैं। तो मैं बहुत समझ के जा रहा था, यहाँ मैंने टीममेट का वेट करा, प्री फायर देता हुआ गया, यहाँ कोई नहीं था तो मतलब बंदा छत पे था। और भाई साहब मतलब दोनों अलग अलग जगह पर थे और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट फायर दे रहे थे। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर उन दोनों को ठोक दिया और मैंने टीममेट को बचा लिया। अब यहाँ पर हम लोग आ गए अपार्टमेंट में, तो भाई हमको एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी और तभी साइड से फायर हुआ। अब गाड़ी से धुआं निकल रहा था, मतलब वो बंदे मूव करके ऊपर जा चुके हैं पहाड़ी पे। तो वहां पर हम लोग जा रहे थे और हमको बंदे दिखे, लेकिन तभी मेरे को ओपन में एक बंदा भागता दिखाई दिया और फिर एक बंदा फायर करने लगा हम पे। अब भाई जब आउट ऑफ नोवेयर इतने सारे बंदे आ जाए ना, तो वहां पर रुकना सही नहीं रहता है। तो मैंने गाड़ी उठाई और सीधा हाइड के लिए गया, क्योंकि हम दो स्क्वाड के बीच में फंस सकते थे। और फायर से कंफर्म भी हो गया कि हम वहां रुकते तो बहुत बुरा डिसीजन होता। फिलहाल बस देखते जाओ, यहां सारी मेहनत मैं करूंगा और मेरा टीममेट किल उठा के ले जाएगा मेरे सामने से। अब मतलब देख रहा हूँ मैं डैमेज दे रहा हूँ और मेरा टीममेट जो है ट्रूप वो सारी किल उठा रहा है, और ये बंदा बाद में चैट में बड़े उससे लिखेगा भी 5 किल चुराए। फिलहाल जो भी हो, अब फिलहाल मेरे को एक बंदा दिखा जो कि ओपन में भाग रहा था, तो मैं क्राउच भी नहीं हुआ, मैंने खड़े खड़े इतनी दूरी स्प्रे दिया, उसको बहुत सारा डैमेज दिया, बट वो बंदा पेड़ के पीछे गया और उतनी देर में मेरे टीममेट ने उसको भी नॉक कर दिया। आई वाज लाइक अबे तू ही सबको मार ले, मैं तो यहाँ गाजर छिलने आया हूँ। फिलहाल मुझे नहीं पता था क्या बोलना है आगे। अब जो भी हो, मैं यहाँ पर आगे जा रहा था पुश करने, क्योंकि मेरे से हो गया भैया M4 6X, अब मैं घुस के मारूंगा, मेरे को किल चाहिए, और इसी उम्मीद से मैं आगे गया। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि दो स्क्वाड्स है, तो मेरी फट रही थी आगे जाने में, लेकिन किल की भूख मेरे को आगे बढ़ाई जा रही थी। अब ये नॉक था क्या था, मेरे को एक किल मिली और दो लोगों ने पुश करा। अब मैंने एक नॉक निकाला और मैं फौरन कवर में आया, क्योंकि हेल्थ दो थी, और तभी आखिरी बंदे को मेरे टीममेट ने खत्म कर दिया और मामला खत्म हो चुका था। मेरे 23 किल्स हो गए थे और 6 बंदे अभी बच रहे थे, मतलब दो तो हम थे, मतलब 4 बंदे और बच रहे थे। यहाँ पर एक बंदा ये हेल्थ तक आ रहा था जिसको मैंने कुचल दिया। फिलहाल इसके टीममेट सामने वाले कंपाउंड में थे और उन्होंने हमारे ऊपर फायर करा। कि मैं बच के निकल सकता था, लेकिन मैंने गाड़ी घुमाई इसको फिनिश करने के लिए गाड़ी से, और हमारी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया। अब गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था तो हम यहीं फंस गए, और बंदे हर तरफ बटे हुए थे। तो यहां पर हमने स्मोक करा और हम पीछे गए, क्योंकि भैया हमारी गाड़ी फूट फाट चुकी थी। अब किस्मत देखना, यहां पर एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी जिसको इन हरामखोरों ने पंचर कर दिया, मतलब ये गाड़ी हमने घुमा किधर घुमाई थी, हम थोड़ी देर यहाँ से भी पटर पटर लगाए थे जो कि मैंने काट दिया। अब ये गाड़ी पंचर थी दोनों, ठीक। अब इस गाड़ी से हम जा रहे हैं एक स्क्वाड के ऊपर रश करने, अब सोच लो हम कितने बावड़े। फिलहाल यहाँ पर मैं एक ऐसी रिज लिया ताकि उनको ज़्यादा एंगल ना मिले, लेकिन फिर भी वो लगातार K9 वगैरह से हमारे पर मतलब गोलियाँ चला रहे थे, एक बंदा स्प्रे भी कर रहा था। फिलहाल यहाँ पर मैं किसी तरीके से पहाड़ी पर आया था, अब सोच ये रहे थे कि जाएँ तो जाए कहाँ, यहाँ से किसी को नॉक भी करेंगे तो वो रैप हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने से, और ये पंचर गाड़ी वहाँ ले गए तो मौत तो भैया तय है। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था, फिर मैंने सोचा यार यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, चलो एक रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढाल का एडवांटेज लिया, मेरे को पता था गाड़ी पंचर है लेकिन ढाल पे थोड़ी तेज जाएगी, तो मैंने यहाँ ढाल से मैं सीधा गया वॉच टावर पे, ताकि उनके और अपने बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्लोज कर लूँ, और जो वॉच टावर बंदा था वो ऑलरेडी घर की तरफ जा चुका था। तो यहाँ से बहुत आसान तो नहीं था रश करना, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने इसको ग्रैब कर लिया। अब हमको पता था वो 3 है, जिसमें से मैंने एक को भर दिया। अब यहाँ पर मेरे को अपने टीममेट पर फुल कॉन्फिडेंस था, तो मैंने उसे पीछे कवर के लिए छोड़ा और मैं गया आगे, मतलब अगर कोई भी मेरे को पीक देता तो वो नॉक होता, जैसा कि मैंने बोला वो नॉक होता, वो अलग बात है कि इसे मैंने नॉक करा। अब मैं ऊपर जा रहा था इस बंदे को फिनिश करने, बट वो मेरे को दिख नहीं रहा था कहीं, लेकिन जब ये दिखा तो मैंने फिनिश कर दिया, तभी एक बंदा मेरे को ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब बारी इसकी थी, इसने एक नेट डाला बट मेरे पास M249 खत्म, इजी कंटेनर ब्रो, आज का गेम प्ले कुछ जल्दी खत्म हो गया।